औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इदरीस वान, एडवोकेट। दोस्तों, हम बात करें आईने पाकिस्तान की, और आज आपके सामने रखेंगे आर्टिकल नंबर 149 है जी। बस सूरतों में सूबों के लिए अदायात, मीन के डायरेक्शंस टू प्रोविंसेस इन सर्टेन केसेस। इस आर्टिकल का पोर्शन नंबर 1 ये कहता है कि हर सूबे का आमिलाना अख्तियार इस तरह इस्तेमाल किया जाएगा कि वो वफाक के आमिलाना अख्तियार में आयल ना हो या इसे नुकसान न पहुँचाए, और वफाक का आमिलाना अख्तियार किसी सूबे को ऐसी अदायात देने पर वसत पजीर होगा जो इस मकसद के लिए वफाकी हुकूमत को ज़रूरी मालूम हो। और इसका जो पोर्शन नंबर 2 है वो रिपील शुदा है। और इसका पोर्शन नंबर 3 ये कहता है कि वफाक का आमिलाना अख्तियार किसी सूबे को ऐसे ज़राए मौसलात की तामीर और नगहदाश्त के लिए अदायात देने पर भी वसत पजीर होगा जिन्हें अदायत में कौमी या फौजी अहमियत का अमल करार दिया गया हो। और इसका पोर्शन नंबर 4 ये कहता है कि वफाक का अमलाना अख्तियार किसी सूबे को ऐसे तरीके की बाबत अदायत देने पर भी वसत पजीर होगा जिसमें इसके अमलाना अख्तियार को पाकिस्तान या इसके किसी दीगर हिस्से के अमन या सुकून या इक्तसादी ज़िंदगी के लिए किसी संगीन ख़तरे की इंसदाद के लिए इस्तेमाल किए जाना हो। यह जी आर्टिकल नंबर 149।